दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे पेड़ को देखा है जो कि एक होने के बावजूद भी दो अलग अलग तरह के फल को देता है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और अमेजिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया में प्रकृति द्वारा घटित कुछ ऐसे करिश्मे जिनके आगे इंसानी दिमाग ने अपने घुटने टेक दिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं प्रकृति की कुछ ऐसी अनोखी घटनाओं के बारे में जिनके बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये घटनाएं घटित क्यों होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर के उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर वन, हेसलेडन लाइट। दोस्तों, नॉर्वे में एक हेसलेंड लेक मौजूद है जहां पर हर रोज एक ऐसी घटना घटित होती है जिसे देखकर वहां पर मौजूद लोग और वैज्ञानिक बिल्कुल बेजुबान हो जाते हैं। यहां पर रोज आसमान में रात को एक बेहद अजीब लाइट आसमान में तैरती रहती है। ये लाइट का डॉट पिछले लगभग 40 सालों से ऐसे ही इस आसमान में लोगों द्वारा देखा जा रहा है। इस लाइट को देखने के बाद बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी इसके बारे में आज तक कोई भी ठोस वजह पता नहीं चल पाई है कि आखिरकार क्यों ये लाइट इस तरह से चमकती है। नेक्स्ट इज डेविल कैटल। दोस्तों, अमेरिका में एक नदी बहती है जिसको क्रूड नदी कहा जाता है, जिस नदी का पानी एक मुकाम पर दो हिस्सों में तब्दील हो जाता है, जिसमें से एक हिस्सा तो आगे चलता रहता है लेकिन दूसरा हिस्सा जमीन के अंदर चला जाता है, और जिसके बारे में आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये पानी जमीन के अंदर तो जाता है लेकिन ये निकलता कहाँ से है, इसके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। काफी ठीक ठाक रफ्तार से बहने वाला ये पानी इन पत्थरों से टकराते ही आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। इसके ऊपर बहुत से साइंटिस्टों ने रिसर्च किया लेकिन उन्हें आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। नेक्स्ट इज डबल ट्री। दोस्तों, इटली में एक छोटी सी जगह है जो कि कैसोर्सो के नाम से फेमस है। यहाँ पर एक बेहद ही अनोखी घटना देखने को मिली। यहाँ पर एक फलता फूलता पेड़ मौजूद है जो कि सिर्फ एक तरह का फल नहीं देता बल्कि ये दो तरह का फल देता है, जिसमें पहला है चेरी और दूसरा शहतूत। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार एक पेड़ दो तरह के फल कैसे दे सकता है, जिसमें कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद कोई पक्षी चेरी के बीज को शहतूत के तने पर डाल गया होगा जो कि उसके तने के बीच में ही उग गया। कुदरत का ये करिश्मा देखने में बेहद ही ज्यादा अद्भुत है। नेक्स्ट इज स्लीपिंग सिटी। दोस्तों, आपने लाफिंग गैस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे अगर कोई गलती से सूंघ ले तो वो हंस हंस कर पागल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी सिटी के बारे में सुना है जो कि स्लीपिंग सिटी है, यानी कि उस सिटी में जाते ही आपको नींद आने लगेगी? ये बात आपको सुनने में काफी अजीब लग रही होगी लेकिन हम आपको बता दें कि ये सच है। दरअसल कजाकिस्तान में एक छोटा शहर है जो कि कलाची के नाम से जाना जाता है। इस शहर में रहने वाले लोग एक बेहद ही अजीबोगरीब घटना को महसूस करते हैं। दरअसल होता कुछ यूं है कि यहाँ पर रहने वाले लोग कभी भी चलते फिरते नींद के झोंके में चले जाते हैं, यानी कि वो चलते फिरते कभी भी सो जाते हैं। यहाँ तक कि इस शहर से गुजरने वाले लोग भी अपनी सवारी को छोड़कर यहाँ पर सो जाते हैं। इस शहर के लोग अपने आप को कमजोर और काफी सुस्त भी महसूस करते हैं। ये बात आज तक साफ नहीं हुई है कि आखिरकार इस शहर की हवा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि इस शहर के बराबर में ही थोड़ी सी किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव मौजूद है जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। कई बड़े डॉक्टर्स ने वहां मौजूद लोगों का बॉडी टेस्ट किया और इसके साथ ही कई तरह के ब्लड टेस्ट भी कराए गए, लेकिन किसी भी टेस्ट में किसी भी तरह की बीमारी का कोई भी सबूत नहीं मिला कि जिसकी वजह से उन्हें हर वक्त नींद आती हो। अब हालत ये हो गई है कि वहाँ रहने वाले लोग इस शहर को छोड़कर ही जाना शुरू कर चुके हैं, और साइंस कुदरत के इस करिश्मे को देख तो सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। नेक्स्ट इज सर्कल्स ऑफ नामीबिया। साउथ अफ्रीका में नामीबिया के सहारा में एक ऐसा बेहद ही अद्भुत नजारा देखने को मिलता है जिसे देख कर हर कोई हैरान है। कई सौ किलोमीटर में फैला ये घास का मैदान अपने अंदर
बेहद अनोखे राज छुपाए बैठा है। दरअसल इस घास के मैदान में जगह जगह पर गोल गोल पैचेस बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर घास नहीं उगती। किसी जमीन पर घास नहीं उगती तो कोई बात नहीं, लेकिन आखिरकार इस कई सौ किलोमीटर फैले मैदान में हर जगह पर गोल शेप में ही ये पैचेस क्यों मौजूद हैं, जिन पर घास नहीं उगती। इन पैचेस के बीच का फासला भी लगभग समान ही है। बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिक ने यहाँ पर आकर इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कुदरत ने इंसान को उसकी औकात याद दिला दी। यानी कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बारे में पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया में घटित कुछ बेहद ही अनोखी घटनाएं, जिनके बारे में आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।